हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और अभी आपने ये देखा कि डिपस्टिक के थ्रू इंजन ऑयल लेवल को कैसे चेक करते हैं। साथ ही मैंने अपनी बाइक का थोड़ा हार्ड एक्सेलरेट करके ये दिखाया कि अगर आपकी बाइक के एग्जॉस्ट से स्मोक आ रहा है थोड़ा हार्ड एक्सेलरेट करने से कंटिन्यूसली आ रहा है, तो मान करके चलिए कि रिंग जो है आपकी बाइक की पिस्टन रिंग वो डैमेज होना शुरू हो गई है। और अगर स्मोक नहीं आ रहा है, कि जैसा कि मेरी बाइक में आपने देखा स्मोक बिल्कुल नहीं आ रहा था, दैट मीन आपकी बाइक एकदम फिट है और कोई उसमें रिंग वगैरह डैमेज नहीं है और परफेक्ट कंडीशन में। साथ ही में आप ये सामने अभी देख रहे हैं, ये एक कंप्यूटराइज्ड आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन कंट्रोल। मेरा इसको दिखाने का यहाँ पर रीज़न ये है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अपनी बाइक को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि वैसे भी एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हैं किस तरीके से पॉल्यूशन वगैरह बहुत फैल रहा है। और आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी बाइक को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिए, जिससे कम से कम जो पॉल्यूशन लेवल है आप अपने एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप अपने कम से कम स्तर पर आप अपने लेवल पर आप उसको कंट्रोल करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है पेट्रोल के लिए प्रिस्क्राइब CO स्टैंडर्ड, यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 प्रिस्क्राइब आई थिंक PRAS प्रिस्क्राइब ही होगा प्रिया। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मेजर्ड CO लेवल, यानी कि मेरी बाइक में मेजर्ड कितना हुआ, तो ये हुआ है 0.740 आई थिंक जस्ट 1/5 मेरी बाइक में मेज़र हुआ है, वो भी प्रिस्क्राइब लेवल से जो कि स्टैंडर्ड है उससे भी 1/5 है आपका, काफ़ी कम है। और यहाँ पर लिखा है प्रिस्क्राइब हाइड्रोकार्बन स्टैंडर्ड 4500, और ये मेज़र हाइड्रोकार्बन लेवल जो मेरी बाइक में मेज़र हुआ है वो है 155, यानी कि आप मान करके चलिए कि ये 5% से भी कम है प्रिस्क्राइब लेवल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी बाइक बिल्कुल पॉल्यूशन ना के बराबर पैदा कर रही है। और जहाँ तक कि इसके जैसी अगर 20 बाइक्स ले ली जाए तो ये उनसे भी कम पॉल्यूशन कर रही है देखा जाए तो। इसके हिसाब से 20 बाइक्स भी अगर मेरी बाइक की तरह आप ले लें तो भी उतना पॉल्यूशन नहीं होगा इससे जितना कि ये उसका भी 120 आप कह सकते हैं कि 20 बाइक भी इतना पॉल्यूशन नहीं करेंगी इसके जैसी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम लेवल है इसका यहाँ पर, है ना। और ये कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट है तो इसमें सेंसर के थ्रू आपका लेवल जो होता है वो मेज़र होता है। मे भी थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, मान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक का पिक्चर भी है यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है बट डिफरेंस ज़्यादा नहीं आ सकता। तो थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर मान भी लीजिए तो भी लेवल बहुत ही ज़्यादा गैप है, जो कि किसी भी हालत में
इतना ज़्यादा एररफुल रीडिंग नहीं आ सकती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन करके रखिए, इंजन ऑयल वगैरह टाइम पर चेंज कराइए, और पेट्रोल में एडिटिव यूज़ करिए। उससे क्या होता है कि आपका जो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा, और बाइक का आपका मेंटेनेंस जो जो आपका एक अमाउंट लगना है उसमें भी कमी आती है, काफ़ी बचत होती है उसमें भी, और आपकी बाइक भी स्मूथ चलेगी, अच्छी चलेगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट आप लोग भी करिए अपने लेवल पर। खाली थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए ऐसा मत करिए कि आप अपनी बाइक को एज इट इज़ चला रहे हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, पॉल्यूशन कर रही है। पॉल्यूशन करने से भले ही आपका पर्सनली कोई लॉस ना हो रहा, बट देखा जाए तो कंबाइंडली ऐसे बहुत सारी गाड़ियों से एक इन्वायरमेंट का बहुत लॉस हो रहा है। प्लीज़ आप अपनी बाइक को कीप योर बाइक हेल्दी एंड इन परफेक्ट ट्यून कंडीशन। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। यही आज मेरा मैसेज आप लोगों के लिए था। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। ओके, बाय बाय।